दावे लाख विकास के हों लेकिन विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। बढ़ती महंगाई पर विपक्ष सड़क पर उतरेगा, प्रदर्शन होगा, भारत बंद किया जाएगा, लेकिन जब सवाल चुनाव पर आता है तो मुद्दा सिर्फ जाति होती है। कह सकते हैं कि विकास का लाख दावा करने वाली सत्ता दल भी जाति पर आकर अटक जाती है। आप कह सकते हैं कि सरकार को घेरने के लिए महंगाई पर सवाल पूछने वाला विपक्ष भी जाति पर आकर टिक जाता है। बिहार के दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो समीकरण इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों ने तैयार किया है वो जाति आधारित ही नज़र आ रहा है। बिहार में न तो विकास अभी इतना विकास कर सका है और न ही महंगाई इतना असर डाल सकी है कि चुनाव में जाति से आगे निकल सके। इस समय दो विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें विकास पर सवाल को कुंद करने के लिए NDA लालू और उनके राज को जंगल ठहराने को कारगर मान रहा है, तो राजद इन सीटों के सहारे सत्ता पाने का सपना दिखा रही है। लेकिन 64 पर सभी ने लड़ाके जाति के हिसाब से ही तय किए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों को इसी पर भरोसा है। पेट्रोल, गैस, दाल, तेल की बातें केवल चौराहों पर ही सिमट जा रही है। बिहार में तारापुर एवं कुशेश्वर पर हो रहे उपचुनाव में पक्ष विपक्ष दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी इन दोनों के बूते सत्ता पाने का दावा जनता के बीच में कर रहे हैं, तो नीतीश दो विधायकों को अपने पाले में करने के बाद भी दो के देहांत के कारण 43 पर ही टिके हैं। वे इसे बढ़ाने के लिए हर दाव हर चाल चल रहे हैं, तो वहीं चुनाव में प्रत्याशी भले ही JDU के हों लेकिन पूरा NDA उनके पक्ष में एकजुट नजर आ रहा है। बात अगर महागठबंधन की जाए तो दोनों सीटों पर महागठबंधन बिखरा नजर आ रहा है। तारापुर में राजद और कुशेश्वर में कांग्रेस का प्रत्याशी पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर था। कांग्रेस को यह सीट राजद ने नहीं दी तो उसने भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। वहीं पिछली बार पूरी लोजपा को लेकर मैदान में नीतीश के खिलाफ उतरे चिराग पासवान भी अधूरे नजर आ रहे हैं। चाचा पशुपति कुमार पारस के कारण बटी लोजपा में रामविलास का नाम जोड़कर चिराग लड़ रहे हैं। ऐसे में पहली नज़र में तो बटा विपक्ष JDU के लिए फायदेमंद नज़र आता है, तो वहीं सीटें अपनी झोली में डालने को आतुर भी। लेकिन लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि चुनाव जातिगत समीकरण पर भी टिका हुआ है। बिहार में जाति आधारित राजनीति का बोलबाला रहा। चुनाव चाहे जिस मुद्दे पर लड़ा जाए आखिर में जाति पर ही आकर टिक जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। इस बार के चुनाव में भी दलों ने विकास या महंगाई जैसे मुद्दों पर उतना भरोसा नहीं किया जितना जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकट के बंटवारे पर। तारापुर में JDU ने इस बार भी कुशवाहा पर ही भरोसा जताया, जो कि विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कुशवाहा जाति के लोग हैं। अति पिछड़ी जातियों व कुर्मी वोटों के सहारे उसे फिर बाजी मारने का भरोसा है, जबकि पिछली बार यादव प्रत्याशी उतार कर हारने वाली राजद ने इस बार दूसरे सबसे बड़े वोट बैंक वैश्य समुदाय से प्रत्याशी उतार तगड़ी चुनौती पेश कर दी है। इसके अलावा अपने परंपरागत वोट बैंक यादव व मुस्लिम को वो अपना ही मान रहा है। वहीं कांग्रेस के ब्राह्मण प्रत्याशी और लोजपा रामविलास के ठाकुर प्रत्याशी भी समीकरणों को बनाने बिगाड़ने में काफ़ी असर डालने वाले हैं। दूसरी तरफ कुशेश्वर सीट पर सुरक्षित होने के कारण NDA स्वर्ण वोट बैंक के बूते अपने को मजबूत मान रहा है। इस समीकरणों के बीच बाकी बातें दब जा रही है। चौक चौराहों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, गैस सिलेंडर की चट होती सब्सिडी, दाल तेल के बढ़ते दाम कुछ देर तो बहस का मुद्दा बनते हैं, लेकिन चुनावी हार जीत की तरफ बात मुड़ते ही जाति इन सब पर भारी पड़ जाती है। नेताओं के भाषण के भी यही शुरुआती अंश होते हैं, लेकिन बाद में दिशा एक दूसरे पर व्यक्तिगत अपेक्ष की तरफ मुड़ जाती है। उल्लेखनीय ये भी है कि 16 साल से सत्ता से दूर लालू इस चुनाव में भी प्रासंगिक हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे,
पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सत्ता पर काबिज एनडीए अपनी उपलब्धियों पर कम लालू के राज को जंगल राज ठहराने और तेजस्वी पर व्यक्तिगत हमले पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है। वहीं जवाब में तेजस्वी महंगाई पर तो कुछ देर टिकते हैं, लेकिन उसके बाद इन दो सीटों पर जीत के सहारे सत्ता पाने का सपना दिखाना शुरू कर देते हैं। शब्दों के इन बानों के अलावा क्षेत्र में लगाई जाने वाली फील्डिंग जातिगत आधार पर ही सभी दल कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हमेशा की तरह जातीय गोलबंदी फिर बाजी मारेगी या इस बार मुद्दा असर डालेगा।